नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। आपके साथ मैं हूं अंशु। वक्त तो चला है इवनिंग बुलेटिन का। खबरों में विस्तार रूप से जाने से पहले नजर डालते हैं मुख्य हेडलाइंस पर। गोंडा पिता को बेटे ने मारकर घर से निकाला, पीड़ित पिता ने पुलिस से लगाई मदद की गुहार। शिवपुरी गेहूं उपार्जन खरीद केंद्र, किसानों का शोषण, स्वयं सहायता समूह घटिया स्तर पर कर रही गेहूं खरीदी। ग्वालियर डीएम के निर्देशों की उड़ाई जा रही धज्जियां, खनन करने वालों के खिलाफ दिए गए कार्रवाई के आदेश। होशंगाबाद नर्मदा के दोनों तटों के बीच से जारी है अवैध खनन, प्रशासन की मिलीभगत से किया जा रहा खनन। फजिल का चलती कार में अचानक लगी आग, कार सवारों ने बड़ी मुश्किल से बचाई जान। गोंडा में एक पिता ने अपने सगे बेटे से तंग आकर थाना व जिले के उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। मामला थाना परसपुर क्षेत्र के बेचई पुरवा सुसुड़ा गांव का है, जहां निवासी पीड़ित शिव कुमार पांडे ने अपने सगे बेटे अटल बिहारी उर्फ अरविंद पांडे व मुकेश पांडे, उनकी पत्नी जमुना देवी द्वारा घर से बाहर निकाल देने पर अब किराए के मकान में अपनी पत्नी के साथ रहते हैं। बेटे ने गेहूं की फसल भी काट ली, जिसमें पिता को एक दाना भी फसल नहीं दिया। पीड़ित पिता ने बताया उसके बेटे व बहू आए दिन मारते पीटते हैं, घर से बाहर निकालते हैं, जिसके संबंध में पिता ने बेटे व बहू से तंग आकर थाना परसपुर में व जिले के उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। लेकिन कोई कार्रवाई न होने के कारण पीड़ित पिता दर दर की ठोकरे खाने को मजबूर है। गोंडा ब्यूरो रविचंद्र कनौजिया की रिपोर्ट। बाबा आपके शिव कुमार पांडे का मामला है पूरा। मामला लड़का और बाप में है, लड़का हमारा बहुत परेशान किया है, मारता पीटता है और घर से भगा दिया है। हम 3-4-5 एप्लीकेशन दे चुके, कोई अधिकारी हमारा सुन नहीं आ रहा। जहाँ जाते हैं वहाँ देते हैं एप्लीकेशन, वो कहते हैं हो जाएगा और कुछ होता नहीं है। हम परेशान। आपके लड़के पर आपका प्रसंग है? लड़का और पतुआ दोनों है। लड़का है अटल बिहारी और पतुआ है जमुना, ये दोनों परेशान के मारा है, हमारी औरत को मारा है, हमको मारा है, मार के भगा दिया, घर में हलने नहीं दिया। कहा है मारा? कहा था ये सब हमारा है, तुम्हारा कुछ नहीं है। कहाँ कहाँ गए? हम SP किया गए, DM किया गए, थाना पर गए। शिवपुरी के नरवर तहसील की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत सीहोर में गेहूं उपार्जन खरीद केंद्र पर किसानों का शोषण किया जा रहा है। दरअसल महिला स्वयं सहायता समूह की को गेहूं की खरीदी का कार्य कलेक्टर द्वारा दिया गया, लेकिन खरीद केंद्र सीहोर द्वारा किसानों का शोषण किया जा रहा है। बगैर सर्वे के समूह द्वारा गेहूं की घटिया स्तर की खरीद खुलेआम की जा रही है और 5 से 10 रूपये कट्टा किसानों से लिया जा रहा है। इतना ही नहीं, 50 किलो की जगह 50 किलो 500 ग्राम तोला जा रहा है। अगर इस महिला समूह द्वारा की गई खरीदारी के गए गेहूं की जांच शासन द्वारा की जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं ग्वालियर की, जहां जिला कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने खनन करने वालों के खिलाफ निर्देश जारी किया था कि ग्वालियर जिले में कोई वैध खनन नहीं करेगा तो उन पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इसके बावजूद खनन जारी है जो कोरोना संक्रमण को बढ़ावा दे रहे हैं। दरअसल मामला ग्वालियर जिले के डबरा विकास खंड के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत छीमक क्षेत्र के फार्म नंबर 5 का है, जहां बोरिंग मशीनें रात दिन बोरिंग करने में जुटी हैं। इन बोरिंग मशीनों पर दूसरे प्रांत के मजदूर कार्य कर रहे हैं, जिनकी कोरोना की जांच नहीं कराई गई, जिससे संक्रमण का खतरा बना हुआ है। डबरा ब्यूरो चीफ छोटू बाथम की खास रिपोर्ट। चलिए दर्शकों, बात करते हैं ग्वालियर जिले के ग्राम पंचायत छीमक की, जहाँ पर भारत न्यूज टीवी की टीम पहुंची है और फार्म नंबर 5 पर बात करते हैं कि बोर का उत्खनन खूब जोरों शोरों से चल रहा है, जबकि जिला प्रशासन जिला कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह जी ने निर्देश 1 मार्च को जारी कर दिया था कि जिले के अंदर बोरिंग से कोई उत्खनन नहीं होगा, जबकि उत्खनन जोर शोर से चल रहा है। चलिए दिखाते हैं हम आपको, तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जोर शोरों से खनन किया जा रहा है और जबकि प्रतिबंध होने के बावजूद भी खनन चल रहा है, जारी है। इस ओर ना ही तो पुलिस प्रशासन ध्यान दे रहा है। चीनक थाना क्षेत्र के अंतर्गत होशंगाबाद जिले के ग्राम नानपा व सीहोर जिले के ग्राम गांजित में नर्मदा के दोनों तटों के बीच से मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में माफिया राज हावी है। इन माफियाओं को न तो कोरोना का डर है और न ही प्रशासन का कोई खौफ। आपको बता दें, दिन दहाड़े बुधनी के रेत माफिया नर्मदा की जल धारा रोक कर नर्मदा में पोक लेन व JCB मशीन से बिना किसी भय के रेत का अवैध खनन व परिवहन कर रहे हैं, जबकि सीहोर जिले की रेत का ठेका पावर मेग कंपनी का है। कंपनी की नर्मदा की कई अवैध खदानों से उत्खनन करा रही है, जो जोशीपुर बगवाड़ा महुकला सहित अन्य अवैध खदानों से प्रशासन को मिली भगत से किया जा रहा है। बता दें
प्रशासन की मिलीभगत से कार्य जारी है, जिससे प्रदेश सरकार को प्रतिदिन लाखों रुपए के राजस्व का चूना लगाया जा रहा है। तो वहीं नर्मदा में मशीनें चलने से मां नर्मदा में प्रदूषण फैल रहा है, तो वहीं पानी में रहने वाले जीव जंतु भी नष्ट हो रहे हैं। गजेंद्र राजपूत, भारत न्यूज टीवी, होशंगाबाद। जैसा कि आपने बताया, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के गृह क्षेत्र में मां नर्मदा की रेत के अवैध उत्खनन का मामला जो है वो बेहद संजीदा है, और ये बहुत निंदा का विषय है कि आज जब कोरोना जैसी महामारी में पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है, ऐसी परिस्थितियों में भी मुख्यमंत्री जी के गृह क्षेत्र में इस तरह दिन दहाड़े मशीनों से अवैध उत्खनन होना, मैं समझता हूं कि बेहद निंदनीय कार्य है और इससे मां नर्मदा के अस्तित्व पे खतरा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले साल जब लॉकडाउन लगा हुआ था, उस समय मां नर्मदा का जल अपने पूर्ववत स्थिति में पहुंच गया था, इतना शुद्ध, इतना साफ, मां नर्मदा की स्थिति बहुत अच्छी हुई थी। बात कर लेते हैं फजल का, कि जहां फिरोजपुर रोड पर गांव के पास मारुति कार में भीषण आग लग गई, जिससे कार में सवार लोगों को बामुश्किल जान बचानी पड़ी। कार सवारों का कहना है, फाजिलका से गाड़ी का काम करवाकर वापस लौट रहे थे, तो रास्ते में अचानक से गाड़ी में आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि फायर ब्रिगेड को बुलाकर आग को बुझाया गया, लेकिन कार पूरी तरह जलकर राख हो गई। गनीमत ये रही कि कार में सवार कोई भी हताहत नहीं हुआ। दो महीने मैं 6000 किलोमीटर चला चुका गड्डी, अज तक कोई दिक्कत नहीं आई गड्डी। अज मैं एसी का काम करवाना सी, कूलिंग कट सी, मैं शाम लाल मिस्त्री को फाजिलका गया काम करवाना, इन्ना दे रोल कोई इन्ना को वायरिंग में कोई दिक्कत आई या कुछ, उत्थे भी पखा बंद हो गया सी, पहला कोई दिक्कत नहीं आई कदे। शाम लाल मिस्त्री को फाजिलका असि गड्डी सैट करवा गए, गड्डी लेने मैनू 2-3 मंथ हो गए, पहला गड्डी बिलकुल ओके चलती है, एसी का काम करवाण गए, उन्होंने पता नहीं इस गड्डी की किया, पहला भी पखा बंद हो गया, उत्थे मतलब ट्राई लेंदे एसी ट्राई लेंदे, इन्हें फिर वो फ्यूज ला के पक्का चलवाया। फिर असी सानू उन्हें कहा जिसे मसी गड्डी लिया मेरी फुल गरंटी है, कुछ नहीं। हाँ जी वीर जी, की गल हुई सी सारी गल, तुसी थोड़ी जाना दसो। फाइल कदवाया मिस्त्री साहब, गड्डी सही करवा गए, थोड़ा तो फिलहाल की इवनिंग बुलेटिन में बस इतना ही, बाकी की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।